हमारे प्रेसिडेंट तो कहते हैं आओ भैया आ जावे माही तेन अखियां उड़ीक दियां, आओ बहस करो, आओ ना। और एक बंदा जा रहा था, मुझे मिला पेट्रोल पंप के पास ही, मैंने कहा भैया क्या ये लिखा हुआ है एक बड़ा सारा बोर्ड, अब की बार फिर से मोदी सरकार, हाँ फिर से मोदी मोदी सरकार। तो उधर देख के कहता है बस कर यार, जब ही नाम आएगा ना फिर से मोदी, अबे बस कर यार, बस कर यार। मैं कह रहा हूं जब भी कोई बोले, लोगों से मैं कह रहा हूं, विनती आपके थ्रू कर रहा हूं कि जब भी ये बोले ना फिर से मोदी सरकार, तो कहना बस कर यार। उस आदमी ने मुझे ये भी कहा, और बड़ा तगड़ा शायर था, मेरे से ज्यादा तगड़ा शायर था, उसी की बात फिर मैं दोहराता रहता हूं कि आए थे 2014 में मोदी जी गंगा के लाल बनके, और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बनके। ये सही है, 30,000 करोड़ रुपया सीधा खुद जाके, ये किसी और समय की बात होगी। अब आओ जी, और ये बड़ा क्लीन हो गया आपको कि जो भी फायदा हुआ वो प्राइवेट कंपनियों को, और जो भी नुकसान हुआ वो सरकारी बैंकों को। अब आप देखिए भाग्य की विडंबना, जो नुकसान है वो सरकारी बैंकों को और सरकारी कंपनियों को, चाहे वो बीएसएनएल है चाहे वो एमटीएनएल है। बीएसएनएल का 5,50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है साहब, कहीं 50,000 करोड़ में बेचना दे। मैं ये क्लीनली बता रहा हूं, बीएसएनएल हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, 2,000 करोड़ के फायदे में थी, आज 4,000 करोड़ के घाटे में है। कोल इंडिया हो, आरआईएन हो, ये सब खत्म हो गए, और रिलायंस की पौ बारह इनके तीन काने। अब ये आप एनपीए देखिए जरा, हैरान करने वाली बात है, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा फिगर कोई नहीं हो सकता है। ये वो बैंक सरकारी बैंक है जिनसे माल्या, नीरव मोदी ऐसे भगौड़ों और चोरों ने अट्टी सट्टी लगा के कनाइवेंस के साथ, अगर कनाइवेंस ना होती तो सर ये प्राइवेट बैंकों से क्यों ना होते कर्जे। प्राइवेट बैंकों के सिर्फ 10% है, प्राइवेट बैंकों के सिर्फ 10% है, और 90% सरकारी बैंकों के हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारी, अरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अपने आप है, जब पैसे लेने और वापस करने ही नहीं, पैसे लेने वापस करने ही नहीं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही है ना, इनकी पूंजीपतियों की मौज लगी हुई है। सुनिए अब, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2,00,000 करोड़ थे साहब, जो बैंकों से कर्जा लिया और वापस नहीं किया। आज ये माल्या और नीरव मोदी की चोरी 12,00,000 करोड़ है, 12,00,000 करोड़ टोटल कर्जा। अगर बड़े छोटे मिडल वाले किसानों का अगर टोटल मिलाए ना, सारे देश का, कोऑपरेटिव बैंकों का, सबका, तो 12,00,000 करोड़ ही है। किसान नहीं दिखा, किसान की एमएसपी नहीं दिखी, मजदूर नहीं दिखा, गरीब नहीं दिखा, लेकिन ये एनपीए सरकारी बैंकों को मार के। और मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई, बाकी सब बैंक, उनको कितना घाटा पड़ा एक एक साल में, मैं दिखाता हूं आपको, अभी पोतड़े खोलूंगा। 90% ये कर्जा ऐसे बड़े लोगों को सरकारी बैंकों से मिला है। और ये देखिए साहब, ये लोगों के खून पसीने की, आपके टैक्सों की कमाई है साहब, आपसे ली गई, आपके आम जनता जनार्दन के टैक्सों के पैसे हैं, उनके खून पसीने के पैसे हैं। एसबीआई पहले एनपीए था 57,819 करोड़, 2014 में जब मोदी जी आए, लहर बन के आए, अब ये अपने झूठ की लहर में डूब जाएंगे। बढ़ के हो गया 57,819 से 2018 में 2,16,228 करोड़।
ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है साहब, हमारे शान आन बान शान। ये माल्या जैसे लोगों ने जो चूना लगाया ना, ये 57,819 था, अब 2,16,222 करोड़। तो भाई ये प्राइवेट बैंक से क्यों ना ले लिया किसी ने, फट पकड़ लेते हैं वो, एमडी सस्पेंड मारते हैं करके, एसेट्स देखते हैं। मैं बताऊंगा कि इन्होंने कितने एसेट्स देखे, कि बंदे के पास जमीन कितनी है और उसको कर्जा कितना दे रहे हो, दिखाऊंगा वो भी। पीएनबी 18,000 करोड़ था साहब, 18,611 बढ़ के हो गया 83,987 करोड़। सेंट्रल बैंक 11,500 पे था 2014 में, ये बढ़ के हो गया 51,086 करोड़। देखो किस तरह से लूट सके तो लूट, जम के खिला रहे, तनातन खिला रहे।